अगली बात करते हैं मिडिल इंग्लिश की मिडिल इंग्लिश को शॉर्ट में एम ई -E भी आप बोल सकते हो एंड इट वॉज स्पोकन आफ्टर नॉर्मन कॉन्क्वेस्ट नॉर्मन कॉन्क्वेस्ट कब हुई थी थाउजेंड एंड सिक्स एंड दिस पीरियड लास्टेड अपू फिफ्टीन हंड्रेड सो ब्रॉडली इट वॉज फ्रॉम इलेवेंथ सेंचुरी टू फिफ्टींथ सेंचुरी फिफ्टीन हंड्रेड और लेट फिफ्टीन सेंचुरी मिडिल इंग्लिश में क्या हुआ एक सिग्निफिकेंट चेंजेस हुए वोकेबलरी में चेंजेस इन वोकेबलरी ग्रामर प्रनंशन और ऑर्थोग्राफी, सो लैंग्वेज के सारे एस्पेक्ट्स को लेकर के बहुत ड्रेस्टिक चेंजेस यहाँ पर भी हुए लैंग्वेज में स्पेलिंग, हाइफनेशन, कैपिटलाइजेशन वर्ड ब्रेक एंड प्रनन्सिएशन सो चेंजेस वर देयर इन स्पेलिंग्स स्पेलिंग्स में मॉडिफिकेशन हुए हाइफनेशन यहाँ से स्टार्ट हुए हाइफनेट करना जैसे कि वर्ड्स में हम करते हैं अगर लाइन के लास्ट में कोई वर्ड के लिए जगह नहीं रहती तो हम क्या करते हैं उसको हाइफनेट कर देता हाइफन लगा करके आधा वर्ड आगे नेक्स्ट लाइन में कैरी करते हैं उसको तो यहाँ पर ये स्टार्ट हुआ और कैपिटलाइजेशन और स्मॉलर कैप्स इनका स्टार्ट हुआ वर्ड ब्रेक वर्ड ब्रेक या कंपाउंड वर्ड ये स्टार्ट हुए और टू सडन एक्सटेंड पंक्चुएशन का बता ही दिया आपको पंक्चुएशन पे काम हुआ सो इन दीज एरिया मैनी चेंजेस दे आर इन मिडिल इंग्लिश दूसरी बात कुछ अलग फैक्टर्स भी थे जो मिडिल इंग्लिश को और ज्यादा रिफाइंड वे में प्रेजेंट करने में कॉन्ट्रीब्यूट किए उसमें एक तो प्रिंटिंग प्रेस की इनोवेशन प्रिंटिंग प्रेस सबसे पहले जर्मनी में स्टार्ट हुई फोर्टीन थर्टी नाइन में जोहानस गर्ग जोहानस गटनबर्ग या गटनबर्ग प्रेस इसको फेमसली कहते हैं तो वो दैट ही स्टार्टेड इन 1439 एंड सेकंड इन इंग्लैंड इट वॉज ब्रॉड बाय विलियम कैक्सटन विलियम कैक्सटन ही पब्लिश होना शुरू हो गई और लैंग्वेज में और भी ज़्यादा जो अगर प्रिंटिंग के पॉइंट ऑफ व्यू से अगर कुछ ड्रॉबैक्स रहे होंगे तो वो भी इन्होंने फिर रिफाइन करना शुरू किया उनमें सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ क्या हुई उस टाइम की जो लंडन डायलैक्ट था तो एक स्टैंडर्ड फॉलो किया गया स्टैंडर्ड क्या था लंडन डायलैक्ट और लंडन डायलैक्ट किस चीज पर बेस्ड था उसको कहते चांसरी स्टैंडर्ड चांसरी स्टैंडर्ड आपको बहुत इंपॉर्टेंटली याद रखना है चांसरी स्टैंडर्ड क्या था ये फॉर्म ऑफ लैंग्वेज जो कि फॉर्मल तौर पर यूज की जाने लगी चांसरी स्टैंडर्ड पहले देख लीजिए आप और इसको चांसरी इंग्लिश भी कहते हैं और ये बेसिकली इट इज़ फीचर ऑफ फिफ्टीन सेंचुरी और बेसिकली एंड इट वॉज द रिटर्न यूसेज ऑफ द क्लर्स ऑफ चांसरी इन इंग्लैंड चांसरी कोर्ट या फिर कोर्ट लैंग्वेज इसको आप ऐसे भी कह सकते हो कि इट वॉज कोर्ट लैंग्वेज और इन लंडन चांसरी कोर्ट एंड दीज प्रिपेयर्ड लेटर्स और डॉक्यूमेंट्स लेटर्स ऑफिशियल डॉक्यूमेंट्स तो जो एक स्टैंडर्ड लैंग्वेज में एक फॉर्मल लैंग्वेज में जो भी डॉक्यूमेंट्स तैयार किए जाते थे जो भी लेटर्स तैयार किए जाते थे किसके ऑफ किंग किंग के, के तरफ से जो ऑफिशियल लेटर्स होते थे जो भी करस्पॉन्डेंस होता था वो सारे लेटर्स या सारे डॉक्यूमेंट्स एक सेल्फ सेम एक आइडेंटिकल स्टैंडर्ड और डायलैक्ट में यूज किए जाते थे उस स्टैंडर्ड को या उस लैंग्वेज को या उस डायलेक्ट को क्या कहते हैं चांसरी इंग्लिश कहते हैं सो इट वॉज़ ऑफिशियल इंग्लिश तो इस ऑफिशियल इंग्लिश का बहुत बड़ा कॉन्ट्रीब्यूशन रहा इंग्लिश लैंग्वेज के एक स्टैंडर्डाइज़ करने में अब ये क्यों जाने लगा क्योंकि इंग्लिश वॉज़ सुपरसीडिंग लैटिन एंड फ्रेंच एज अ कोर्ट लैंग्वेज और ऑफिशियल लैंग्वेज बिकॉज़ बिफोर फोर्टीन थर्टीज ऑफिशियल वर्क वॉज मेनली डन और ऑफिशियल रिकॉर्ड्स फॉर मेनली रिटर्न इन लैटिन एंड फ्रेंच लेकिन थर्टीन हंड्रेड सिक्सटी टू में जब इंग्लिश को ऑफिशियल लैंग्वेज बनाया गया तो उसमें से जितने भी शॉर्टकमिंग्स हो सकती थी किसी भी लेवल पर चाहे वो फोनेटिक्स के हों फोनोलॉजी के हों ऑर्थोग्राफिकल हों वो चेंजेस उनकी शॉर्ट दूर की गई और एक स्टैंडर्ड बनाया गया एक उस लैंग्वेज को स्टैंडर्डाइज किया गया ताकि वो ऑफिशियल लैंग्वेज की तरह इसको फंक्शन कराया जाए और उस ऑफिशियल स्टैंडर्ड को जो सिर्फ कोर्ट लैंग्वेज थी उस समय तक और किंग के जो ऑफिशियल डॉक्यूमेंट्स होते थे या लेटर्स होते थे उनको ड्राफ्ट करने के लिए जो भी एक एक स्टैंडर्ड लैंग्वेज होनी चाहिए उसको क्या कहते थे चांसरी इंग्लिश कहते हैं ये चांसरी स्टैंडर्ड अब इस चांसरी स्टैंडर्ड को धीरे धीरे जो लोकल लैंग्वेज या फिर लैंग्वेज ऑफ कॉमन पीपल या लैंग्वेज ऑफ लिटरेचर उसमें धीरे धीरे कॉपी और एडॉप्ट जाने लगा और ये चांसरी स्टैंडर्ड ही क्या था इट हैड इस्टेब्लिश्ड द फाउंडेशन ऑफ मॉडर्न इंग्लिश और पर्टिकुलरली मॉडर्न स्पेलिंग तो मॉडर्न स्पेलिंग जितने भी स्पेलिंग को लेकर के चेंजेस थे वो किए गए और उनमें जितने भी कुछ जो डिफ़िकल्टीज हो सकती थी टाइपिंग करने में या फिर उसको कॉमन यूसेज में लाने में वो सब रिमूव करके एक स्टैंडर्ड बनाया गया एक स्टैंडर्डाइजेशन किया गया तो ये भी एक बहुत बड़ा फैक्टर था इंग्लिश लैंग्वेज के डेवलपमेंट में और क्या हुआ इस पीरियड में जो ओल्ड इंग्लिश के ग्रामेटिकल फ़ीचर्स थे उनको सिम्प्लीफाई किया गया जो भी कॉम्प्लेक्सिटीज़ थी सो द कॉम्प्लेक्सिटीज़ ऑफ ओल्ड इंग्लिश वर सिम्प्लीफाइड इन दिस पीरियड सबसे ज़्यादा काम किस पे हुआ जितनी भी वैगरीज हो सकती थी या फिर शॉर्टकमिंग्स हो सकती थी या कॉम्प्लेक्सिटीज हो सकती थी इंग्लिश लैंग्वेज के यूसेज की उसको प्रैक्टिकल शेप देने के लिए वो सारी की सारी इस ड्यूरेशन में की गई इन्फ्लेक्शंस जो थे इन्फ्लेक्शंस को रिमूव किया गया इन्फ्लेक्शन के बारे में पिछली वीडियो जो इसका फर्स्ट पार्ट है उसमें बताया था इन्फ्लेक्शंस ऑफ नाउन वर्ब एडजेक्टिव प्रनाउन्स इनमें जितने भी इन्फ्लेक्शंस थे उन सारे इन्फ्लेक्शंस को रिमूव किया गया और सिंप्लीफाई किया गया एक ये काम हुआ एक ग्रामेटिकल केस डिस्टिंक्शन जो थी उसको रिड्यूस किया गया तो रिडक्शन ऑफ ग्रामेटिकल केस डिस्टिक्शन केसेस को लेकर के बहुत ज़्यादा उसमें वेरिएशंस थे जो केसेस होते हैं नाउंस के प्रनाउंस के उनमें उनको सिंप्लीफाई किया उनको रिड्यूस किया गया जैसे अब प्रनाउन के केस अगर जैसे होते हैं तो सब्जेक्टिव केस या फिर नॉमिनेटिव केस और ऑब्जेक्टिव केस जेनेटिव केस रिफ्लेक्सिव केस उससे पहले ओल्ड इंग्लिश में बहुत सारे केसेस होते थे बहुत सारे वेरिएशन होता था तो उसको सिंप्लीफाई करके रिड्यूस किया गया उनका नंबर और जितना सिर्फ कॉमनली उसको आप आइडेंटिफाई कर सको उसका किया गया उनमें जो कन्फ्यूजन हो सकता था उस कन्फ्यूजन को रिड्यूस किया गया रिमूव किया गया जैसे आजकल भी प्रनाउन में आप देखते हो हर हर ऑब्जेक्टिव केस में भी है और हर पजेसिव केस में भी है पजेसिव या फिर जेनेटिव ऐसे ही हिज हिज पजेसिव एडजेक्टिव भी है और हिज पजेसिव प्रनाउन भी है नाउन सब्जेक्टिव केस में भी है नॉमिनेटिव केस में भी है ऑब्जेक्टिव केस में भी है तो ये कुछ अभी भी रह गई हैं कन्फ्यूजन ये सिर्फ कॉन्टेक्स्ट में देखने पे ही क्लैरिफाई करते हैं लेकिन ओल्ड इंग्लिश में इस तरह के बहुत सारे कन्फ्यूजन्स थे तो उन सारे कन्फ्यूजन्स को रिड्यूस किया गया रिमूव किया गया वोकेबलरी में बहुत सारे वर्ड्स फ्रेंच और लैटिन वर्ड्स इंट्रोड्यूस किए गए और इंक्लूड कर लिए गए जो कि पर्टिकुलर से एक सब्जेक्ट स्पेसिफिक थे उन वर्ड्स को ही कर लिए गए उसका रिजल्ट आप आज देखते हो कि जो कुछ मेडिकल टर्मिनोलॉजीज़ uh, होती हैं जिनको आप रजिस्टर्स कहते हो जो किसी फील्ड स्पेसिफिक होती हैं टर्मिनोलॉजीज़ चाहे वो मेडिकल फील्ड के अलग हों लॉ फील्ड के अलग हों रिलीजियस फील्ड के अलग हों पॉलिटिक्स अलग हो, तो वो पर्टिकुलर जो टर्म्स थे उनको फ्रेंच लैंग्वेज से या लैटिन लैंग्वेज से एडोप्ट ही कर लिया गया तो एडोप्टिंग ऑफ फ्रेंच एंड लैटिन फ्रेजेस और वर्ब्स और वोकेबलरी किस किस फील्ड में जैसे पॉलिटिक्स या रिलीजन या आर्ट को लेकर के या फिर लॉ कुछ इस तरह के जो फील्ड्स थे उनमें कुछ स्पेशल टर्म्स जैसा आज भी मॉडर्न लैंग्वेज में भी आप बहुत सारे वर्ड्स फॉरेन जो लैंग्वेज के आप यूज़ करते हो इंग्लिश में साइकोलॉजी निमोनिया इस तरह के जो वर्ड्स होते हैं तो वर फ्रॉम डिफरेंट लैंग्वेजेस तो उन वर्ड्स को उनकी यूटिलिटी के बेस पर और उनकी एप्लीकेबिलिटी के बेस पर इंग्लिश लैंग्वेज में अडोप्ट कर लिया गया जो सबसे ज्यादा सिग्निफिकेंट चेंजेस हुए वो क्या हुए प्रोनसिएशन में चेंज वॉज इन प्रोनसिएशन जिसको की ग्रेट वॉवल शिफ्ट कहा जाता है ये बहुत इंपॉर्टेंट फ्रेज है जिस पर क्वेश्चन डेफिनेटली आएगा ही आएगा तो ग्रेट वोवल शिफ्ट क्या था क्या इसका इम्पेक्ट पड़ा ये स्टार्ट कब से होना हुआ शुरू ये फोर्टीन से लेकर के स्टार्ट होना शुरू हुआ और अर्ली मॉडर्न पीरियड लाइक 1700 तक 1400 से लेकर के 1700 तक ये शिफ्ट हुआ इसमें बहुत सारे चेंजेस प्रोनंसिएशन को लेकर के किए गए चेंजेस वर मेड इन ऑलमोस्ट ऑल लॉन्ग वॉवल्स जो लॉन्ग वॉवल्स थे उनको बहुत ज्यादा चेंज किया गया उसी को ही वॉवल शिफ्ट इसलिए उसको कहा गया है कुछ कॉन्सोनेंट्स साउंड भी चेंज की गई चेंज वॉज ऑल्सो इन कॉन्सोनेंट ये किस चीज में पर्टिकुलरली किया गया था इन साइलेंसिंग ऑफ सम साउंड जैसे आप आज मॉडर्न लैंग्वेज में भी देखते हो कुछ वर्ड्स में लेटर्स जो होती है साउंड जो होती हैं वो साइलेंट होती हैं तो वो साइलेंट करने का जो वो था पीरियड वो भी यही था ग्रेट वॉल्ड शिफ्ट में इसको काउंट कर सकते हो आप लेकिन सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ जो थी वो चेंजेज मेड इन ऑलमोस्ट ऑल द लॉन्ग वोवल्स और ये कैसे हुआ ये आपको बता तो यहाँ पर क्या हुआ लॉन्ग वोवल्स एंड डिफॉन्ग्स इनको लेकर के चेंजेस किए गए और ये चेंज ही ग्रेट वॉवल शिफ्ट का आया थोड़ी इसकी हिस्ट्री बताते हैं आपको इस ग्रेट वॉल शिफ्ट को किसने पहली बार स्टडी किया किसने इसके ऊपर काम किया वो था द फर्स्ट पर्सन हु स्टडीड दिस शिफ्ट ग्रेट वॉल शिफ्ट ही वॉज ऑटो जेस पर्सन ही वॉज अ लिंग्विस्ट डेनिश लिंग्विस्ट एंड ही ऑल्सो कॉइंड दिस टर्म या फ्रेज

उंड ट्वेंटी फोर साउंडल अगर आप देखते हो तो दो चीजें नजर आती है इंग्लिश लैंग्वेज इज अगर आप देखते हो तो देर आर फाइव बट दीज फाइव वोवल्स मेक ट्वेंटी डिफरेंट साउंड ट्वेंटी आउट ऑफ दीज ट्वेंटी एट आर डिप थ सिंगल साउंड डबल साउंड जस्ट लाइक किड सो ई दिस इन दैटेगरी ऑफ मोन ऑफ थेउंड आर सिंगल साउंड वेर इज डिप थ माई आई अउंड दो साउंड के कॉम्बिनेशन से बनती है वो क्या कहते हैं डिप्थोंग साउंड कहते हैं आप ऐसे भी समझ सकते हैं ओल्ड इंग्लिश में सिर्फ मोनोपथोंगस ही थे तो उन लॉन्ग सिंगल साउंडस को मोनोप्थोंगस में कन्वर्ट किया गया या फिर उनसे सिम्प्लीफाइड सिंगल साउंड की गई तो शिफ्ट फ्रॉम आप ऐसे समझ लीजिए इसकी डेफिनेशन शिफ्ट फ्रॉम लॉन्गर वॉल साउंड टू सिंप्लीफाइड सिंगल मोनोपथोंग साउंड और डिथों अगर वो सिंगल नहीं थी तो उसको फिर डिपथोंग डबल साउंड में कन्वर्ट कर दिया गया एग्जाम्पल देते हैं इनके जैसा आप दो फिगर्स में देख रहे हैं ये है आपके मोनोपथोंग ये ट्वेल्व इन नंबर एंड दीज आर एट डिप्थोंग तो दे हैव डबल साउंड ओ ए आई ये जितनी भी साउंड्स हैं आपकी डबल है, साउंड्स तो ओल्ड इंग्लिश में आपकी डबल साउंड्स नहीं थी सिंगल साउंड्स भी थी लॉन्गर साउंड्स थी जैसे कुछ एग्जांपल्स देते हैं अगर आप बाइट को लेते हो तो मॉडर्न कॉन्टेक्स्ट में आप इसकी इसकी साउंड जो निकलती है वो क्या होती है आई दिस वन ए और आई डबल साउंड लेकिन ओल्ड इंग्लिश में कैसे बोली जाती थी ई बीट इसका क्या प्रोनाशिएशन होता था बाइट का बीट तो ये जो साउंड थी ये लॉन्ग ई साउंड दिस दिसवन शिप वन ये आई के लिए फिर ये इसको यूज किया जाने लगा पहले बीट इसका प्रोनउंसिएशन अगर होता तो क्या होता बी ई ट बीट ये ई e का सिंबल है ई e, ये ई e, शिप लेकिन इसको फिर क्या शिफ्ट कर दिया इसको फिर आई में चेंज कर दिया ये जो है इसको डबल साउंड में कन्वर्ट कर दिए गए तो ये एक चेंज तो क्या हुआ लोंगर साउंड जो थी ई e, वो चेंज कर दी आई बहुत सारे वर्ड्स में इस तरह की चेंज कर दी दूसरा आपका लोंगर ई e जो था वो ए में कन्वर्ट कर दिया जैसे आप आज हम इसको क्या बोलते हैं मीट इसमें हम लोंगर ई e को यूज करते हैं लेकिन ओल्ड इंग्लिश में इसको क्या बोलते थे ए जैसे मेट मीट को क्या बोलते थे मेट तो उस साउंड को फिर यहाँ पर शिफ्ट किया गया इसमें कौन सा है एट दिस साउंड तो इस साउंड को फिर किस में कर दिया गया आपका ई e में ये यहां से शिफ्ट इसमें कर दी गई सो दिस वॉज द काइंड ऑफ शिफ्ट वोवल शिफ्ट दिस ए साउंड वॉज शिफ्टेड टू ई सो डिपथोंग टू डिपथोंग और सिंगल साउंड टू डिपथोंग इस तरह के वॉवल शिफ्ट में किए गए पहला प्रोनाशिएशन ओल्ड इंग्लिश में प्रोनाउंसिएशन क्या था ए मेट जो कि अब इसको रिफाइन करके हमने क्या किया मीट मीट e, तो ये ए से ई e तक ये शिफ्ट किया यहाँ पर हमने क्या किया ये ई e से और आई में एक शिफ्ट ये किया तो यहां पे हमने क्या किया ये ए टू ई एक शिफ्ट ये किया गया एक लॉन्ग जो साउंड है ये दिस अ फा इसको भी फिर चेंज किया गया इसको किसमें चेंज किया गया ए में दिस साउंड वॉ चेंज टू ए जैसे कि पहले अगर आप देखते हो मेट ये मॉडर्न प्रोनाशिएशन है मेट और पहले ओल्ड इंग्लिश में इसका क्या था मार्ट जैसे स्पा, पा में है तो ऐसे इसका प्रोनाउंसिएशन क्या था म आ ट मार्ट जो कि अब फिर इसको रिफाइन करके मेट में कन्वर्ट किया गया तो ये जो साउंड थी आ इसको किस में किया गया इसमें आ साउंड चेंज्ड टू ए जैसे वेट मेट ये एक चेंज ये किया नेक्स्ट जो चेंज किया गया वो ओ के साउंड में जो ऊ साउंड आप देखोगे दिस वन शूट ऊ ये साउंड ओल्ड इंग्लिश में कैसी थी इन ओल्ड इंग्लिश ओ दिस वन तो दिस साउंड चेंज्ड इनटू ओ लाइक बूट बूट इज इन मॉडर्न इंग्लिश और इसको पहले क्या बोलते थे बोट जैसे कि आपका बी ओ ए टी बोट इसको भी बोट ही बोलते थे ये आपका ओल्ड इंग्लिश में अब इसका प्रोनाउंसिएशन क्या हुआ ब ऊ ट बूट और ओल्ड इंग्लिश में इसका कैसा था ब औ ट बोट तो इस बूट को बोट बोलते थे एक चेंज फिर ये किया तो इस औ से ऊ तक ये एक चेंज किया गया एक साउंड और भी चेंज की ए इसको किसमें चेंज किया गया ई जैसे कि बीट ये पहले ये मॉडर्न इंग्लिश में बीट ब ई ट बीट ये मॉडर्न इंग्लिश में और इसके ओल्ड इंग्लिश में क्या बोलते थे इसको बैट ब ए ट तो बीट को क्या बोलते थे बैट तो ये चेंजेज हुए सो so लगभग 1300 तक इस तरह का ओल्ड सिस्टम ये चलता था और फिर फोर्टीन सेंचुरी से लेकर के सेवनटीन तक ये शिफ्ट चलता रहा इसमें चेंजेस होते रहे तो वो जो आज हमारे पास ये फोनेटिक ट्रांसक्रिप्शन इनको कहते हैं फोनेटिक ट्रांसक्रिप्शन फोनेटिक ट्रांसक्रिप्शन ये तो मैंने कुछ एग्ज़ाम्पल्स दिए हैं आपको ऐसे बहुत सारे चेंजेस किए गए सो लॉन्ग वॉवल साउंड से डिपथोंग साउंड में या डिपथोंग से दूसरे डिपथोंग में ये जो शिफ्ट किया गया प्रोनन्सिएशन को लेकर के ताकि एक एक स्टैंडर्डाइज किया जाए उन साउंड्स को लेकर के प्रोनाशिएशन को लेकर के इसी शिफ्ट को क्या कहते हैं ग्रेट वाउल शिफ्ट दूसरा भी किया गया इसमें मतलब जैसे लॉन्ग ई साउंड ई एंड ऊ डी साउंड्स इनको डिप्थोंग में कन्वर्ट कर दिया गया ये ये मोनोप्थोंग थी जैसे अभी मैंने इमेज में दिखाया था आपको इनको फिर क्या गया डिप्थोंग में कन्वर्ट कर दिया गया मतलब इनसे डिप्थोंग बना दिए गए जैसे क्या चेंजेस किए गए जो उ साउंड जो थी वो कन्वर्ट हो गई ओ और ओ ये तो यहां से ऊ से एक नया डिपथोंग क्रिएट कर दिया गया ऐसे ही ए इससे क्या चेंज कर दिया गया ए तो इस तरह के डिप्थोंगाइजेशन भी किए गए और जो पहले हमने बता दिए तो डिफ्थोंगाइजेशन मतलब समझ लीजिए वाउल ब्रेकिंग वाउल ब्रेकिंग को ही क्या कहते हैं डिफ्थोंगाइजेशन एक लॉन्ग मोनोपथोंग साउंड को या लॉन्ग सिंगल वावल साउंड को डबल साउंड में कन्वर्ट कर देना वो डिफ्थोंगाइजेशन और कुछ वावल साउंड सिंगल साउंडस को मोनोप्थोंग में दूसरे मोनोपथोंग में शिफ्ट कर देना और कुछ डिपथोंगस को दूसरे डिपथोंगस में शिफ्ट कर देना इसको कहते हैं ग्रेट वावल शिफ्ट ग्रेट क्यों था क्योंकि एक लार्ज स्केल पे ये काम किया गया फॉर नियर अबाउट थ्री हंड्रेड ईयर्स ये प्रोसेस चलती चलेगी वर्ड टू वर्ड उनकी स्पेलिंग्स के हिसाब से उसमें चेंजेस कर दिए गए ऐसा नहीं कि सारा एक एक चेंज किया और उसको सबको जगह अप्लाई कर दिया जो आपको वेरिएशन मिलते हैं कहीं पे वही साउंड ई e की है कहीं पे वही साउंड अ की है बी आई आर टी एच इसमें आई के साउंड बर्थ अ एंड बी आई डी बिड इसमें आई के साउंड ई की है पहले वाले में आ की थी और इसी में ही बी आई टी ई -E यही आई की साउंड हो गई तो चेंजेस तो फिर भी बहुत सारे हैं अभी भी कन्फ्यूज़न है लेकिन पहले ओल्ड इंग्लिश में बहुत ही ज़्यादा कन्फ्यूज़न था तो उनको सिम्प्लीफाई करने की कोशिश की गई कुछ सेल्फ सेम उन वर्ड्स को एक सेल्फ सेम एक आइडेंटिकल प्रोनंसिएशन या आइडेंटिकल साउंड देने की कोशिश की गई ये लगभग कई सौ साल चलता रहा लगभग तीन सौ साल ये प्रोसेस चलता रहा उसी इसीलिए इसको ग्रेट वावल शिफ्ट कहते हैं बहुत सारे फ्रेंच वर्ड्स इंक्लूड कर दिए गए कुछ मैं एग्जाम्पल के तौर पर बता रहा हूँ आपको जो कि इंग्लिश लैंग्वेज में इंक्लूड कर दिए गए इस मिडिल इंग्लिश में उसमें जैसे थे पिग इसका सिनोनिम पोर्क ये इंक्लूड कर लिए गए चिकन इसका सिनोनिम पोल्ट्री ये इंक्लूड कर लिए गए काफ इसका सिनोनिम व्हील ये इंक्लूड कर लिए गए काव इसका सिनोनिम बीफ ये इंक्लूड कर लिए गए ऐसे ही शीप इसका सिनोनिम मटन इसको भी इंक्लूड कर लिया गया ऐसे ही वुड फॉरेस्ट ये भी शामिल कर लिए गए ऐसे ही हाउस का सिनोनिम मेंशन वर्दी वेल्यूबल बोल्ड करेजेस फ्रीडम लिबर्टी साइट विजन ईट डाइन ये सब जो सिनोनिम्स थे ये फ्रेंच लैंग्वेज से यहाँ पर इंग्लिश लैंग्वेज में अडोप्ट कर लिए गए इंक्लूड कर लिए गए दे स्टार्टेड अपियरिंग इन इंग्लिश लैंग्वेज आफ्टर दिस ड्यूरिंग दिस पीरियड तो ये कुछ ऑर्थोग्राफी को लेकर के प्रनाउंसिएशन को लेकर के स्पेलिंग को लेकर के और उनकी ग्रामेटिकल स्ट्रक्चर्स को लेकर के मिडिल इंग्लिश में बहुत ज्यादा चेंजेस हुए इंपॉर्टेंट टेक्स्ट जो मिडिल इंग्लिश के थे उनकी भी बात कर लेते हैं इंपॉर्टेंट टेक्स्ट जो कि ओल्ड इंग्लिश से रिकंस्ट्रक्शन के बाद इवॉल्व हुए ये बनाए गए वो उनमें कौन कौन से थे एक तो पीटर बोरो क्रॉनिकल दूसरा टेक्स्ट और मुलम दिस वॉज A bread, like and the इस के जो बात की थी जो लंडन डायलैक्ट लंडन डायलैक्ट लंडन डायलैक्ट कौन सा था ईस्ट मिडलैंड ईस्ट मिडलैंड के डायलैक्ट को ही लंडन डायलैक्ट कहते थे एंड चौसर रोड इन दैट डायलैक्ट ईस्ट मिडलैंड डायलैक्ट मॉडर्न इंग्लिश को बनाने के लिए बहुत कॉन्ट्रीब्यूशन

स्टैंडर्ड लैंग्वेज में पब्लिकेशन शुरू हुआ बाइबल्स स्टैंडर्ड वर्जन इन कॉमन लैंग्वेज कॉमन प्रेयर बुक ये लिखी गई अर्ली मॉडर्न इंग्लिश की बात करते हैं यहाँ पर भी लैंग्वेज की ऑर्थोग्राफी को लेकर के चेंजेस काफी ज्यादा हुए और जो इन्फ्लेक्शंस थे इन्फ्लेक्शंस इन ग्रामर और ग्रामेटिकल केसेस वो सिंपलीफाई किए गए दे वर सिंप्लीफाइड और समवेयर दे वर रिड्यूसड देर नंबर वॉज ऑल्सो रिड्यूस्ड दूसरी इंपॉर्टेंट चीज जो डेफिनेट आर्टिकल द इसकी बहुत सारी फॉर्म्स ओल्ड इंग्लिश में और मिडिल इंग्लिश में यूज़ की जाती थी तो उन फॉर्म्स को फिर डिसअपियर कराया गया ऐसा करने की ज़रूरत इसलिए पड़ी क्योंकि वो द के बहुत मल्टीफेरस यूज थे ये कंफ्यूजन की सिचुएशन थी कि कहाँ पर लगना है कहाँ पर नहीं लगना इट वॉज इन एडवर्टेंटली यूज एट मैनी प्लेसेस जो अननेसेसरी प्लेसेस थी वहां से हटा करके इसकी जो नंबर ऑफ Usage, उनको रिड्यूस किया गया ये एक बड़ा इंपॉर्टेंट काम यहाँ पे हुआ अर्ली मिडिल इंग्लिश कब से कब तक चली ये ट्यूडर डायनेस्टी के बिगनिंग ऑफ ट्यूडर डायनेस्टी ट्यूडर डायनेस्टी कब से शुरू हुई थी 1485 फाइव और ये कब तक चली रिस्टोरेशन तक शेक्सपियर का टाइम अर्ली मॉडर्न इंग्लिश के पीरियड में ही आता है वो एक बहुत रिच टाइम था लिटरेचर के बुक्स के पब्लिकेशन के लिए इंग्लिश लैंग्वेज के डेवलपमेंट के लिए शेक्सपियर खुद बहुत बड़ा कंट्रीब्यूटर था इंग्लिश लैंग्वेज की वोकेबलरी के लिए मोर देन थ्री थाउजेंड वर्ड्स ही कॉइन एंड कॉन्ट्रीब्यूटेड टू इंग्लिश लैंग्वेज बहुत इंपॉर्टेंट टेक्स्ट पब्लिश किए गए जैसे मोटर डी अर्थर गार्बोडक निकोलस उडल्स रेल्फ रोइस्टर डोस्टर शेक्सपियर के प्लेज उसके कंटेम्प्रेरीज मार्लो के जो वर्क्स और यूनिवर्सिटी विट्स के वर्क्स रोजर रेसम की बुक ये बहुत सेलिब्रेटेड वर्क्स जो थे वो पब्लिश किए गए लिखे गए इस पीरियड में तो ये फिर भी क्या थी जो लिंग्विस्टिक चेंज तो फर्दर हो ही रहे थे सो इट वॉज एन एरा ऑफ लिंग्विस्टिक चेंजेस जैसे कि अभी ऊपर बताया ग्रामेटिकल केसेज सिंप्लीफाइड देवर रिड्यूस्ड और आर्टिकल डेफिनेट आर्टिकल की जो मैनी फॉर्म्स थी देर ऑल्सो मिनिमाइज लिंग्विस्टिक चेंजेस बहुत सारे जो डायलेक्ट थे उन सारे डायलैक्ट्स को कॉमन डायलैक्ट में कन्वर्ट करने की कोशिश की गई जो डिफरेंट डिफरेंट डायलैक्ट्स थे तो एक स्टैंडर्डाइजेशन ऑफ लोकल लैंग्वेज अभी तक तो बताया गया चांसरी स्टैंडर्ड जो था बट द चांद स्टैंडर्ड वॉज रिस्ट्रिक्टेड और लिमिटेड टू द यूज ऑफ कोड उस स्टैंडर्ड को कॉमन जो बनाया गया वो फिर अर्ली मॉडर्न इंग्लिश में लाया गया उस कोर्ट लैंग्वेज को कॉमन लैंग्वेज और जो डिफरेंट डायलेक्ट्स थे उन डिफरेंट डायलेक्ट्स को भी एक कॉमन लैंग्वेज में स्टैंडर्डाइज किया गया तो लोकल और मल्टीपल डायलेक्ट्स उनको स्टैंडर्डाइज किया गया सारे डायलेक्ट्स को रिप्लेस कराया गया एक कॉमन स्टैंडर्ड लैंग्वेज से और जो लैंग्वेज थी वो स्टैंडर्डाइज वो एक रिचर लैक्सिकोन और इस्टेब्लिश लिटरेचर के लिए लिटरेचर बहुत ज़्यादा लिखी जाने लगी और पब्लिश भी हो रही थी क्योंकि प्रिंटिंग प्रेस तो आ चुकी थी तो वो एक स्टैंडर्ड लैंग्वेज जब कॉमन लोगों के पास जा रही थी तो उसी लैंग्वेज को फिर एडॉप्ट किया जाने लगा इससे क्या हुआ कि डिफरेंट जो मल्टीपल डायलेक्ट्स थे उन डायलेक्ट्स की जो डिफरेंट डिफरेंट लैंग्वेजेस थी वो अब एक कॉमन लैंग्वेज में कन्वर्ट होती चली जा रही थी ये एक बहुत बड़ा काम था तो स्टैंडर्ड लैंग्वेज जो थी वो दैट वाज रिचर इन लेक्सिकोन मतलब जो वर्ड के लिए वर्ड्स के चॉइस के लिए आपके पास बहुत ज्यादा मतलब मतलब वोकेबलरी में आपके पास चॉइसेस बहुत ज्यादा बढ़ती चली जा रही थी ये लिटरेचर के लिए भी एक बहुत कॉमन और फ्रूटफुल मीडियम भी साबित हुआ मोर्टी अर्थर तो पहला सबसे पहला जो बेस्ट सेलर था फर्स्ट बेस्ट सेलर इन इंग्लिश वो थी मोटी अर्थर फोर्टीन में शायद ही पब्लिश हुई थी रिचार्ड पिंसन ने जिसने की कोर्ट के ऑफिशियल लेटर्स लिखे थे उसने और भी स्टैंडर्डाइज लैंग्वेज में लिखना शुरू किया और उसको पब्लिश किया और वो एक लोगों के अंदर जो डिफरेंट डायलैक्ट्स में डील कर रहे थे उनको इंस्पायर किया कि किस तरीके से कॉमन लैंग्वेज में लिखा जाए ऑर्थोग्राफी में भी कुछ चेंजेज हुए अर्ली मॉडर्न इंग्लिश और मॉडर्न इंग्लिश का ऑर्थोग्राफी कुछ हद तक सिमिलर भी था लेकिन जो स्पेलिंग थी स्पेलिंग वॉज अनस्टेबल ओल्ड एंड मिडिल इंग्लिश तो वो अनस्टेबिलिटी को यहाँ पर फिर दूर किया गया उसमें इम्पॉर्टेंट काम जो जैसे द जो डेफिनेट आर्टिकल द उसके यूसेज मिनिमाइज किए गए और लेटर साइलेंट नहीं थे तक। तो silencing of letters. अब तक तो साइलेंसिंग ऑफ लेटर्स अब तक साउंड्स कैसी थी अगर नाइट को बोलते हैं के एन आई जी एस टी तो वो पहले कनाइट ही बोलते थे उसको के एन आई सी टी कनाइट इट वॉज नॉट नाइट इट वॉज कनाइक्ट क भी और जी एच भी यानी जो साउंड थी क और जी एच ग दोनों साउंड प्रनाउंस की जाती देर नो kind of like ये फिर अर्ली मॉडर्न इंग्लिश में ही किया गया डेट जैसे अब ये तो पे पर डेप्ट ही था ब तो ब साउंड को भी फिर यहाँ पे साइलेंट किया गया जैसे डाउट में और सटल में पहले ये डाउट डेप्ट सपटल इस तरह के प्रोनाशिएशन थे तो उनमें से बी ब की साउंड साइलेंट कर दी गई कॉन्सोनेंट साउंड्स भी चेंज की गई थी और चेंजेस भी किए गए जैसे नोट तो वो क्नोट पहले क्या था क्नोट ये नेट पहले क्या ग्नेट ऐसे ही सोल्ड तो वो सोल्ड कर दिया गया फिर इसको कुछ डाइग्रेफ डाइग्रेफ किसको कहते हैं ये जी एच टी इसको डाइग्रेफ कहते हैं इसकी साउंड भी साउंड भी सिंप्लीफाई कर दी गई जैसे नाइट तो सिंपली जी एच टी के साउंड को सिम्प्लीफाई ये टी में कर दिए गए या दो तो वो डॉग नहीं दो ये जी एच की साउंड खत्म कर दी गई ऐसी डॉटर जी एच की साउंड खत्म करके सिर्फ ट रहने दिया इन सबको भी रिड्यूस किया गया अर्ली मॉडर्न इंग्लिश वो रोटिक रोटिक जो प्रोनाशिएशन होता है वो क्या होती है आर साउंड जो र र साउंड जो होती है वो वर्ड प्रोनाउंस की जाती है हर जगह पर

तो हेयर इट वॉज नॉट हेयर इट वॉज एयर ऑनर इट वॉज नॉट हॉनर इट वॉज ऑनर हावर इट वॉज नॉट हावर सो एच साउंड वॉज ऑल्सो रिड्यूस्ड और भी चेंजेस थे कुछ जैसे सेकेंड पर्सनल प्रोनाउन जैसे यू सेकेंड पर्सनल प्रनाउन जो है यू यू सिंगुलर में भी यू और प्लूरल में भी यू लेकिन अर्ली मिडिल इंग्लिश में क्या था दाव ये सिंगुलर के लिए और ये प्लूरल के लिए दोनों इनफॉर्मल में थे लेकिन इनफॉर्मल यूसेज इनका पजेजिव भी क्या था दाई और ये केस, केस. ऐसे ही दी, ये या केस भी कहते हैं इसको ऑब्जेक्टिव केस को ऑब्लिक केस भी कहते हैं जैसे सब्जेक्टिव केस को नॉमिनेटिव केस कहते हैं ऐसी पजिजिव केस को जेनेटिव केस कहते हैं तो इसमें कहते हैं दी और थाइन ये भी चेंजेस में अब लास्ट में मॉडर्न इंग्लिश की बात करते हैं मॉडर्न इंग्लिश को न्यू इंग्लिश मॉडर्न इंग्लिश एम ई या फिर न्यू इंग्लिश एन ई इस तरह से एब्रीविएट भी करते हैं इनको मॉडर्न इंग्लिश क्या बन चुकी है एंग्लोस्फेयर एंग्लोस्फेयर मीन्स द वेरिएशन ऑफ दिस लैंग्वेज और द डायलैक्ट ऑफ दिस लैंग्वेज दे आर स्पोकन इन मैनी कंट्रीज थ्रू आउट द वर्ल्ड दुनिया के हर कोने में इंग्लिश बोली जाती है तो इंग्लिश का इस तरीके से ग्लोबलाइजेशन इस तरीके से उसको एडॉप्ट किया जाना उसको क्या कहते हैं एंग्लोस्फेयर तो इंग्लिश लैंग्वेज की यूज़ेबिलिटी, प्रैक्टिकेबिलिटी और इसका यूजर फ्रेंडली नेचर ये सब पूरी दुनिया में बोला जाने लगा और नॉट ओनली दिस इट बिकेम लिंगुआ फ्रेंकुआ ऑफ स्पीच लिंगुआ फ्रेंका क्या कहते हैं जो कॉमन प्लेस लैंग्वेज होती है कॉमन लैंग्वेज ऑफ एवरीडे स्पीच और ये इट स्प्रेड थ्रू कॉलोनीज क्योंकि सेवनटीन सेंचुरी के लास्ट हाफ में इंग्लिश कॉलोनीज स्प्रेड एक्सपेंशन मिशन के तहत उनके जो कॉलोनीज थी वो बनने शुरू हो गई थी द ब्रिटिश एम्पायर स्टार्टेड इट्स एक्सपेंशन मिशन तो वो डिफरेंट कंट्रीज में कॉलोनीज बनाते चले गए और उन कॉलोनीज में और जियो पोलिटिकल डोमिनेस जहाँ पर उनकी कॉलोनीज जैसे हमारे यहाँ ईस्ट इंडिया कंपनी ऐसी जियो पोलिटिकल डोमिनेस वहां वहां पर भी इंग्लिश लैंग्वेज को यूज किया जाने लगा ले जाया जाने लगा इस तरीके से क्या हुआ वो इंटरनेशनल कम्युनिकेशन का एक मीडियम बन गई मॉर्फोलॉजी अगर देखते हैं इसकी मिड मॉडर्न इंग्लिश में इस पीरियड में इस ड्यूरेशन में तो बहुत सारे वर्ड्स डिफरेंट क्लासेज में भी यूज किए जाने लगे जैसे लाइक like या सेम एज इनको कंजंक्शन की तरह भी यूज किया जाने लगा वर यूज एज कंजंक्शन जो द जो डेफिनेट आर्टिकल था इट बिकेम ऑप्शनल अभी अगर आप देखते हो द की कई जगह अगर ना भी लगाओ तो चल जाता है काम तो इट वॉज नॉट दैट मैंडेटरी बट प्रीवियसली इन अर्ली मॉडर्न इंग्लिश और मिडिल इंग्लिश में ये एक मैंडेटरी था और उसकी बहुत सारी फॉर्म्स थी जो कि पहले तो रिड्यूस की गई और उसके बाद में इसको ऑप्शनल यूज किया जाने लगा जो कंपल्शन थी इसको यूज करने के लिए वो थोड़ी सी मिनिवाइज की गई और जो किया गया वो हुम और हु इनमें डिस्टिंक्शन जो है बिल्कुल मिनिमाइज किया गया सो द लॉस ऑफ डिस्टिंक्शन बिटवीन हु एंड होम मॉडर्न इंग्लिश में आप देखोगे तो whom सिर्फ एक ऑब्जेक्टिव केस के लिए ही आकर के रह गया है लेकिन हु से आप उसको रिप्लेस करा देते हो तो नॉर्मली प्रेफर हम हु करते हैं Whom बहुत कम ही जगह यूज किया जाने लगा जो बिल्कुल ट्रेडिशनल और कन्वेंशनल वे में इसको यूज करते हैं वो ही होम यूज करते हैं अदरवाइज हु से काम जल जाता है टू whom डू यू वॉन्ट टू स्पीक तो इसकी जगह बेहतर एक्सप्रेशन क्या है हु डू यू हुटीक टू स्पीक टू हु इनका डिस्टिंक्शन खत्म किया गया शैल का जो यूज use है यूज विद फर्स्ट पर्सन ये कंपल्शन भी रिमूव की गई अब मॉडर्न कॉन्टेक्सट में आई विल इज ऑल्सो वेरी करेक्ट आई शैल इट इज नॉट ऑलवेज नेसेसरी टू यूज आई शैल और वी शैल वी कैन फ्रीली यूज वी विल वी विल और आई विल तो द कंपल्शन ऑफ शैल वॉज रिमूव्ड इट वॉज एलिमिनेटेड मल्टीवर्ड वर्ब्स इनको यूज किया जाने लगा देर वॉज इंक्रीज इन मल्टी मल्टीवर्ड वर्ब वर्ड वर्ब कौन सी होती है जैसे फ्रेजल वर्ब या कुछ एक्सप्रेशन होते हैं मॉडल्स होती हैं जैसे ऑट टू यूज टू या बी गोइंग टू फ्रेजल वर्ब जैसे लुक आफ्टर या ब्रेक इन टू तो वर्ड वर्ब यूज की जाने लगी और ऑग्जलरी वर्ब उनके शॉर्ट फॉर्म यूज किए जाने लगे जैसे वॉन्ट टू इसको वना और गोइंग टू गॉट गॉट इस तरह के चेंजेस भी किए गए और लास्ट में जो सबसे इंपॉर्टेंट काम हुआ वो क्या हुआ आर पी आर बहुत इंपॉर्टेंट टर्म है रिसीव्ड प्रोनसिएशन रिसीव्ड प्रोनसिएशन को यूज किया जाने लगा यानी कि इट वॉज क्वींस और किंग्स इंग्लिश अगर क्वेश्चन आता है व्हाट इज क्वींस और किंग्स इंग्लिश

किया गया एंड एज सच इट वॉज एडोप्टेड एंड इट वॉज पॉपुलराइज तो उस प्रोसेस को क्या था वो रिसीव्ड प्रोनंशिएशन था द कॉमन टाइप ऑफ प्रोनसिएशन द कॉमन टाइप ऑफ एक्सेंट जो कि डिफरेंट डायलेक्ट्स में यूज किया जाता था उसको एक कॉमन नाम दिया गया ब्रिटिश एक्सेंट उसको रिसीव्ड प्रोनंशिएशन या फिर क्वींस इंग्लिश या फिर किंग्स इंग्लिश करके दिया जाने लगा आइडेंटिफाई किसने किया था ये भी इम्पॉर्टेंट चीज़ है डनियल जॉन्स डेनियल जॉन्स की डिक्शनरी आती है कैम्ब्रिज पब्लिकेशन की या ऑक्सफर्ड पब्लिकेशन की आती है डिक्शनरी ऑफ प्रोनाशिएशन वो डेनियल जॉन्स ने ही कंपाइल इसको किया हुआ है तो डेनियल जॉन्स आइडेंटिफाइड दिस रिसीव्ड प्रोनाशिएशन ये कौन था ब्रिटिश फोनेटिशियन फर्स्ट जो एडिशन आया था नाइनटीन सेवनटीन में इंग्लिश प्रोनाउंसिंग डिक्शनरी इंग्लिश प्रोनाउंसिंग डिक्शनरी में इसने क्या सजेस्ट किया हुआ है द कामन और सेल्फ सेम और आइडेंटिकल ब्रिटिश एक्सेंट हाओ द साउंडस आर प्रोनाउंस्ड हाओ द वर्ड्स आर टू बी प्रोनाउंस्ड इन अ सिमिलर मैनर थ्रू आउट द कंट्री और परहेप्स थ्रू आउट द वर्ल्ड तो इसने रिसिव्ड प्रोनाउंसिएशन किस चीज़ को कहा जो कि ग्लोबली या फिर ब्रिटिश कॉलोनीज में या फिर ब्रिटेन में जितनी भी डायलैक्ट्स थी उनमें जो कॉमन एक स्टैंडर्ड प्रोनाशिएशन जो था उसको फिर रिसीव्ड प्रोनाशिएशन किया गया डैनियल जॉन्स ने पहले रिसीव्ड प्रोनाशिएशन को क्या कहा था पब्लिक स्कूल प्रोनाशन बाद में इसको फिर रिसीव्ड प्रोनाशन कह दिया गया जो फर्स्ट एडिशन जो था इस फर्स्ट एडिशन नाइनटीन वाले में ये कॉमन एक्सेंट ब्रिटिश एक्सेंट को क्या कहते थे पब्लिक स्कूल प्रोनाशिएशन लेकिन जो सेकंड एडिशन था इन सेकंड एडिशन दैट वाज पब्लिश इन 1926 ही एक्सेप्टेड दैट इन

एडवांस लर्नर डिक्शनरी में या फिर जो आई जो होते हैं इंटरनेशनल फोनेटिक एसोसिएशन के थ्रू जो प्रोनाशिएशन हमें सामने आते हैं वो सब इसी प्रोसेस से आते हैं उनको आइडेंटिफाई किया था डैनियल जॉन्स ने उसको क्या नाम दिया था फर्स्ट पब्लिक स्कूल प्रोनाशिएशन और अब उस एक्सेंट को क्या कहते हैं रिसीव्ड प्रोनउसिएशन सो दैट इज ऑल फॉर नाउ होप दिस वीडियो क्लियर सम ऑफ योर डाउट्स रिलेटेड टू हिस्ट्री ऑफ इंग्लिश लैंग्वेज and some terms like received pronunciation or chancery standard and great vowel change or shift so i tried to explain all these things as best as i could so stay tuned for more of such videos in future like this video and share it as much as you can so that all the aspirants they are benefited and if you have not subscribed to this channel please make it as a point to subscribe to it right now thanks for watching